उनके कंडीशंस अगर नजर आ रही है तो यस बता दें। जी सर आ रही है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डोंट केयर कंडीशंस की थी, सो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि डोंट केयर कंडीशंस जो है वो क्या होती हैं। डोंट केयर कंडीशंस वो होती हैं जो जो ऐसे इनपुट्स हैं, ऐसे इनपुट के कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके सर्किट में कभी भी अकर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीसीडी कोड लें तो बीसीडी कोड जो है 0 से 9 तक जाता है, उसमें 10 से लेके 15 तक कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन जो है वो अकर नहीं कर सकता। अगर वो अकर करता है तो वो गार्बेज होता है, एंड वी डोंट केयर कि उस वक्त सर्किट की आउटपुट क्या है, 1 है या 0 है। इसी तरह से कुछ और सर्किट्स भी होंगे जिसमें हमें दी गई होंगी कि ये सर्किट की डोंट केयर कंडीशंस है, तो उन डोंट केयर कंडीशंस के बारे में वी डोंट केयर। और उसका फायदा हमें क्या होता है कि हम अपनी डोंट केयर कंडीशंस कैन बी यूटिलाइज्ड इन लॉजिक मिनिमाइजेशन, कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज 0 और 1। सो आपकी मर्जी है, अगर आपका सर्किट 0 करने से उसको सिंप्लीफाई होता है डोंट केयर को तो आप उसको 0 कर दें, और अगर 1 करने से होता है तो आप उसको 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दी कि ये आपका फंक्शन था, एफ इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जी, एंड इट वॉज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 1, 3, 7, 11 एंड 15। सो ये वो मिन टर्म्स हैं जिसपे ये फंक्शन 1 है। उसके बाद उसने कहा which has the don't care conditions d w x y z 0, 2 and 5। so 0 and 2 and 5 jo hain ye iski don't care conditions hain। jab hum iska map banayenge to hum 0 2 aur 5 yani ye m0 2 aur m5 inke upar x daal denge। x daalne ka fayda ye hoga ki ab agar hum isko combine karna chahte hain kisi bhi 1 ke sath to hum x ko 1 assume कर सकते हैं और हम इन चारों को कंबाइन कर सकते हैं। सो ये एक हमारा बन जाएगा और एक ही हमारा 1s के साथ वैसे ही बन जाता है, तो वी कैन कंबाइन दीस एंड रिड्यूस द एक्सप्रेशन, जो हमारे मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन है वो ज्यादा सिंप्लीफाई होकर आ जाता है, तो ये हमें फायदा है। इसी तरह से यहाँ पे उसने कहा कि आप इसको इस तरह भी कंबाइन कर सकते हैं कि ये वाला x के साथ कंबाइन कर दें और फिर ये वाले 1s जो है कंबाइन करते हैं, तो ये इन दोनों की जो है रिजल्ट एक ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही इक्वेशन है और यहाँ पे भी वही है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन वो बेसिकली आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही बन जाएगी। तो सो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को यूजिंग मिन टर्म्स। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो हम अब आगे चलते हैं सेक्शन 3.7 नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पे हम इस सेक्शन में ये लर्न करेंगे कि जो नैंड गेट होता है हमारा वो एक यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट से क्या मुराद है? यूनिवर्सल गेट से मुराद ये है कि खाली नैंड गेट को लेते हुए आप कोई भी डिजिटल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको किसी और गेट की जरूरत नहीं होती। सो नैंड जो है उससे आप इन्वर्टर भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, और हमने देखा है कि अगर हमारे पास ये 3 गेट्स हों तो हम कोई भी डिजिटल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नैंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इन्वर्टर, एन एंड गेट एंड एन और गेट, और इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अच्छा, तो आगे हम जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे वो सिर्फ नैंड गेट्स से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती या किस तरह से की जाती है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो ये है कि व्हाई नैंड, क्यों नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हार्डवेयर में जो नैंड गेट होता है वो सबसे कम एरिया लेता है बनने में और सबसे कम उसकी कॉस्ट होती है। तो जो अगर कोई सर्किट आप सिर्फ नैंड ओनली से बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम होगी कंपेयर टू आप उसमें एंड या और या बाकी गेट्स इस्तेमाल करें। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम लोग नैंड गेट को प्रेफर करते हैं ओवर अदर गेट्स। यहाँ पे कह रहे हर एक को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमने नैंड गेट से एक इन्वर्टर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? कैन एनीवन टेल मी कि
एक इन्वर्टर किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता है नैंड गेट से? सर एक्स और वाई को आपस में कनेक्ट कर दें तो? जी बिल्कुल, अगर मैं एक नैंड गेट लूं और उसकी दोनों इनपुट्स आपस में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इसमें लेकिन जब मैं इसको वन दूंगा, ठीक है, तो वन वन के ऊपर नैंड गेट होता है जीरो, और जब मैं इसको जीरो दूंगा तो जीरो जीरो के ऊपर नैंड गेट होता है वन, ठीक है, तो ये एक इन्वर्टर बन जाएगा। तो इस तरह से मैं एक इन्वर्टर इस पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एक नैंड गेट लूँ और उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दूँ तो वो एंड गेट बन जाता है, उसका फंक्शन बन जाता है एक्स वाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं एक नैंड गेट लूँ और उसकी इनपुट्स पे इन्वर्टर लगा दूँ, इनपुट्स के ऊपर इन्वर्टर लगा दूँ, तो वो बन जाता है ये एक्स प्लस वाई। सो दैट मीन्स कि ये जो है ये जो पूरा सिस्टम है नीचे वाला, ये और गेट के तौर पे ऐड करता है। तो अब मैंने देखा कि मैं और गेट भी बना सकता हूँ, एंड भी बना सकता हूँ और इन्वर्टर भी बना सकता हूँ इसके साथ। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस तरह से हम लोग जो हमारे सर्किट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नैंड गेट ओनली लॉजिक से, ठीक है। एक और चीज ये कि नैंड गेट में टू ग्राफिक सिंबल्स फॉर अ नैंड गेट, ये तो नैंड गेट का स्टैंडर्ड सिंबल है जो आपने दिखा हुआ है, एक्स वाई जी, और इसका बुलियन फंक्शन होता है एक्स वाई जी होल बार। इसके अलावा ये वाला भी, इसको इन्वर्ट और कहते हैं, लेकिन ये कि ये भी एक नैंड गेट है। तो अगर मैं एक और गेट लूं और उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ नैंड गेट। ये अब आपने याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मैं एक और गेट लूं और उसकी इनपुट्स इन्वर्टेड हों तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ एक नॉर्मल एंड गेट से। तो इसको इन्वर्ट और गेट भी कहते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नैंड गेट, और नैंड गेट का ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है। दीज आर द टू ग्राफिक सिंबल्स फॉर नैंड गेट। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? नहीं समझ आई तो थोड़ा एक दफा रिपीट कर देंगे। क्या इसमें क्या समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या है आपका सर? किसको और को चेंज करके ये बनेगा? और के गेट, और अगर मैं एक और गेट लूं और उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दूं, ये बबल का क्या मतलब होता है, इन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको इन्वर्ट कर दूं तो ये जो फंक्शन बनता है, ये बनता है एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जी बार, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जी होल बार डी मॉर्गन्स थ्योरम से। तो ये क्या है, ये नैंड गेट का फंक्शन है, ये यही वाला फंक्शन है। तो दैट मींस कि ये वाला जो पूरा सर्किट है ये एक्चुअली एक नैंड गेट है। क्लियर हुआ? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि नैंड नैंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें कोई बुलियन फंक्शन गिवन हो और हमें कहा जाए कि जी इसको अब आप नैंड ओनली से इम्प्लीमेंट करें, एंड और से ना करें, तो ये वाला बुलियन फंक्शन हमने नॉर्मली, अगर हम ये देखें ए बी प्लस सी डी, तो नॉर्मली तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा ना कि हमारे पास एक एंड गेट आ जाएगा और एक और एंड गेट आएगा और इनकी आउटपुट जो है वो एक और गेट में आ जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे हम कर देंगे ए बी और यहाँ पे हम कर देंगे सी डी। सो ये तो हमारा नॉर्मल जो है वो सर्किट बनता था। अब हमने इसको नैंड से इम्प्लीमेंट करना है। तो नैंड से इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने यहाँ पे नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। एक फंक्शन था, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द बुलियन फंक्शन एफ एक्स वाई जी 1 2 3 4 5 7। इसको उसने पहले तो कार्नोफ मैप से सिंप्लीफाई किया, ठीक है, कार्नोफ मैप से सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो फंक्शन बना वो ये था, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस जी। तो एंड और में तो अब आप लोगों को ये फंक्शन बड़े आराम से इम्प्लीमेंट करना आता है। अच्छा, अब हमने इसको करना है इम्प्लीमेंट नैंड ओनली से। तो नैंड ओनली से हम किस तरह से करेंगे, हम पहले एंड और
के फंक्शंस बना देंगे, ठीक है। सो वी विल टेक, अभी आप इन बबल्स को इग्नोर कर देंगे, इन्वर्टर्स हैं, ठीक है। सो अगर आप इनको अभी इग्नोर करें, इन सारों को इग्नोर कर दें, तो ये एक नॉर्मल एंड और इम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमने दिया एक्स वाई बार, यहाँ पे एक्स बार वाई और यहाँ पे जी, और ये एक और गेट था और ये हमारा फंक्शन आ गया। तो हमने इसको पहले इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको नैंड गेट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आगे दोनों जो मेरे एंड गेट्स थे इन्वर्टर लगा दिए। अब इन्वर्टर लगाने से सिग्नल इन्वर्ट हो गया, तो सिग्नल तो वो नहीं रहा, तो मैंने इस और गेट की इनपुट के ऊपर भी एक इन्वर्टर लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि सिग्नल दो इन्वर्टर से गुजर रहा है तो सिग्नल में कोई चेंज नहीं है, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम। और यहाँ इसको तीसरे इनपुट को भी इन्वर्ट किया और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगा दिया, तो जी भी एज इट इज दो दफा इन्वर्ट होकर जा रहा है। तो सर्किट में इन इन्वर्टर्स के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सिग्नल एग्जैक्टली उसी तरह सही है। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा ये जो चीज होती है एक और गेट जिसकी इनपुट्स इन्वर्टेड होती है, हमने देखा था ये बेसिकली एक नैंड गेट होता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी जगह यहाँ पे नैंड गेट लगा दूंगा और इनके आगे मैंने चूंकि बबल लगाया हुआ था, ये तो एज इट इज ही नैंड गेट ही रहेंगे, ये नैंड गेट रह जाएंगे। और ये जो तीसरा है इसको मैं इन्वर्ट करके दूंगा, यानी ये जो है ये आप यहाँ ड्रॉ भी कर सकते थे या जी बार लिख सकते थे जी की जगह, तो ये इन्वर्ट होके जा रहा है। तो अब ये फंक्शन एफ और ये फंक्शन दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नैंड गेट से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें हमने कोई और चीज नहीं की। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने बुलियन फंक्शन लिया, उसको से इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जितने गेट्स थे उनके आगे हमने इन्वर्टर्स लगा दिए, तो एंड को हमने नैंड में कन्वर्ट कर दिया और इस और गेट की लगा दिए, तो सिग्नल चेंज नहीं हुआ लेकिन ये और से नैंड बन गया। तो ये दोनों गेट्स अब नैंड हो गए हैं दोनों लेवल्स के ऊपर, ठीक है जी, ये क्लियर है। अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं सर जी। जी को हमने नॉट क्यों किए? इसलिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगाया था, ये वाला, ये तो नहीं था ना ओरिजिनल सर्किट के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो कौन सा वाले की बात कर रहे थे? इस वाले की। ओके, ये इन्वर्टर है सर, तो इसकी वजह से इसको इन्वर्ट करना पड़ा है जी। सर ये जो बी वाले डायग्राम में इसमें आप जो इनपुट पे ये बबल्स लगाए हैं और जो सी वाले डायग्राम में जो ये होती है एंड के बराबर होती है, नैंड के बराबर होती है ये और के हाँ। जो इनपुट पे आपने बबल्स लगाए हैं और सी भी आपने एंड गेट नैंड से इसको कन्वर्ट कर दिया, ये अभी हमने कवर किया है, ये देखें ये क्या है। ओके सर, ओके ठीक है, ठीक है जी सर। तो यही चीज हमने यहाँ पे बनाई है और इसको फिर हमने रिप्लेस कर दिया है इससे, ठीक है जी सर। ओके, तो इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है टू लेवल्स का, अगर हम फिर इसको देखें तो प्रोसीजर इज आपको कोई भी बुलियन फंक्शन दिया गया हो उसको पहले तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लें थ्रू कार्नोफ मैप, ठीक है। फिर अ नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म, द इनपुट्स टू ईच नैंड गेट्स आर द लिटरल्स टू द टर्म, लिटरल्स ऑफ द टर्म फर्स्ट लेवल, सो पहले लेवल बता दें और उसके ऊपर लिटरल्स अप्लाई कर दें, और फिर सिंगल नैंड गेट सेकेंड लेवल के लिए, और अ टर्म विद अ सिंगल लिटरल रिक्वायर्स in the first level. क्या मतलब है term with the single literal requires an inverter the first level? ये term थी single literal के साथ, तो इसके लिए मुझे एक inverter चाहिए, ये होगा, तो मुझे invert करना पड़ेगा। जो single literals नहीं है, जो ज़्यादा हैं, बस ये वाले, इनको मुझे invert करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस nand gate लगाऊंगा और आगे भी nand gate लगा दूंगा और इसको जो single literal होगा इसको invert कर दूंगा, ये मेरा nand only implement हो जाएगा। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, सो ये ऊपर जो सर्किट आपको गिवन है ये है एंड और की फॉर्म में, ये मल्टी लेवल है,
सो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं आपके ए बी सी डी, और ये सारे वेरिएबल्स जा रहे हैं और आपका फाइनली एफ आ रहा है, और हमें कहा गया है कि जी इसको आप कन्वर्ट करें इनटू नैंड ओनली, ठीक है। तो नैंड ओनली इंप्लीमेंट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो हमारी इनपुट्स है ना, ये जो दो एंड गेट्स हैं, ठीक है, इन एंड गेट्स के आगे मैं ये बबल लगा दूंगा, ये बन गया नैंड। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैंने इसको इन्वर्ट किया है तो मैं ये आउटपुट कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे एक और बबल लगाऊंगा, तो ये बबल इस बबल को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये दूसरा तो मैंने वैसे लगाना है बबल, क्योंकि ये सिंगल इनपुट है तो ये इसने इन्वर्ट होके आना है, सिंगल लेटरल है, तो ये इसको मैं बी की जगह, यहाँ पे बी था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बी बार कर दूंगा और ये इन्वर्ट होके फिर वही सिग्नल बन जाएगा, यानी बी बन जाएगा। उसके बाद ये वाला मेरा, मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाया था तो मैं इसके एंड के ऊपर यहाँ पे भी एक इन्वर्टर लगा दूंगा, फिर मेरा ये वाला गेट रह गया, इस गेट को भी मैं एक इन्वर्टर लगा दूंगा, और इस गेट की आगे ये जो जा रहा है सिग्नल यहाँ पे भी इन्वर्टर लगा दूंगा, तो ये सिग्नल सेम रहेगा, ठीक है। अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने इसको नैंड बना दिया, ये भी नैंड हो गया, ठीक है, ये भी नैंड हो गया, और ये वाले भी, क्योंकि एक और गेट थे, इसके इनपुट्स मैंने इन्वर्ट कर दिए, तो ये भी नैंड हो गया। तो अब मैं इन और गेट्स की जगह सिंपल नैंड गेट लगा दूंगा, तो मेरा ये पूरा सर्किट इंप्लीमेंट हो जाएगा नैंड गेट्स के साथ। लेकिन सर ऊपर वाले में वो बी जो है इन्वर्टेड नहीं है, नीचे वाले में बी इनपुट इन्वर्टेड आ रही है, वो क्या चक्कर है? हाँ, लेकिन इन्वर्ट करने की, यहाँ मैंने इसको इन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ मैंने फिर इसको इन्वर्ट कर दिया ना, तो ये बी बन गया ना दोबारा से। तो सर इसमें तो हमें फिर एडिशनल एक नॉट गेट भी लगाना पड़ेगा बी वाली साइड? जी बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, और कोई एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जहाँ पे डबल बबल लगे हैं, दो दफा बबल लगे हैं, वहाँ पे अगर हम थ्रू टेबल के अंदर है, दो दफा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे या नहीं? नहीं, ट्रुथ टेबल में तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एक सिग्नल है, उसको अगर आप दो दफा इन्वर्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल सिग्नल बन जाएगा, ऐसा ही है ना, उसमें कोई चेंज तो नहीं होगी ना, तो ये हमने किया है, ये चीज डालेंगे तो ये तो वही सेम सिग्नल ही होगा ना, अगर यहाँ बी होगा तो यहाँ पे भी तो बी आ जाएगा, तो वी हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, सो ट्रुथ टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये एक और सर्किट है, इसको बल्कि इसके नीचे वो हुआ है, अब आप इसको पेपर पेन से निकालें और जरा खुद कन्वर्ट करेंगे, जो ऊपर वाला सर्किट है इसकी नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन करें। देखेंगे इसने इस सर्किट तक ये किस तरह पहुंचा, सारे लोग करें, यू हैव मिनट्स टू डू इट। तो इसको नैंड में कन्वर्ट करना है, नैंड में कन्वर्ट करें इस सर्किट को। जी ओके,
ठीक है जी, कर लिया सारे लोगों ने, हर एक को क्लियर हो गया किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं? कर लिया है तो यस कह दें, नहीं किया तो अभी बताएं नो करें ताकि फिर दो मिनट। ओके सर, मेरे चैट में तस्वीर भेजिए, चेक कर सकते हैं? जी मैं देख लेता हूँ। ये दरमियान वाला भी नैंड ही होगा, आपने इसको इतनी और बनाया है, ये भी नैंड होना चाहिए सर, बनाया और उसमें तस्वीर में नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये नैंड होना चाहिए, सारे गेट्स नैंड हो जाने चाहिए। ठीक है, ये जो दो एंड गेट के आगे और गेट लगा हुआ है ना, इसमें बबल्स भी लगने हैं पीछे, इसके अंदर इधर इस सर जो उनसा दरमियान में इसने जो पिक्चर भेजी है उसमें वो उसने आगे हाँ बबल लगाए हैं, पीछे लगने हैं। तो ठीक है, ये वाला ये भी एक्चुअली एक एंड गेट ही बन गया ना, ये भी एंड गेट है, ये भी अब एंड गेट ही है और ये तो एंड गेट है क्योंकि और के पीछे जब बबल्स लग गए तो वो नैंड बन जाता है, तो ये भी नैंड है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड। बिल्कुल, और गेट की इनपुट पे नैंड बनता है, एंड गेट की आउटपुट पे नैंड बनता है, फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है सारी। ठीक है सर जी, चलें हम अब आगे चलते हैं। अच्छा आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो नॉर गेट है हमारा, ये भी एक यूनिवर्सल गेट है। व्हाट दैट मींस इज कि नॉर गेट से भी आप तमाम फंक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग नॉर गेट को कम इस्तेमाल करते हैं और को ज्यादा करते हैं। बेटा ये कि मैंने जिस तरह बताया कि जो नैंड गेट है उसकी कॉस्ट कम होती है, नॉर की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो नॉर से भी हम सब कुछ इम्प्लीमेंट, एक्चुअली हम नॉर से करते नहीं है, हम लोग हमेशा नैंड के साथ ही करते हैं। लेकिन हम लोग अभी इसको भी देख लेते हैं कि नॉर से हम लोग जो है डिफरेंस क्या चीज क्या, सॉरी आपका क्या क्वेश्चन था, आवाज कट गई है? कुछ नहीं। अच्छा सो पहली बात ये कि नॉर गेट से हम इन्वर्टर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट बता सकते हैं कि नॉर गेट से इन्वर्टर किस तरह बनेगा? सर जिस तरह नैंड से पहले बनाया था वो नैंड की जगह आप वो नॉर लगा दे तो नैंड की जगह नॉर लगा दे? नहीं यार, सर सेम आउटपुट ले तो सर वो इनपुट्स दोनों कनेक्ट कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम, अगर मैं दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर दूं तो नॉर भी जो है वो इन्वर्टर बन जाएगा। तो इस तरह से मैं इन्वर्टर कर सकता हूँ। फिर और फंक्शन तो बड़ा आसान है क्योंकि नॉर बनाई और को इन्वर्ट करने से था, तो इसके आगे मैं अगर एक इन्वर्टर लगा दूँ और के आगे नॉर के आगे तो मेरे पास और गेट आ जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि अगर मेरे पास नॉर गेट हो और मैं उसके इनपुट्स को इन्वर्ट कर दूँ, इनपुट्स को इन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास एंड फंक्शन बन जाता है। तो इनपुट्स को इन्वर्ट करने से एंड बन जाता है,
आउटपुट को इन्वर्ट करने से और बन जाता है और दोनों को टाई करने से इन्वर्टर बन जाता है। तो नॉर गेट भी बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की थी उसी तरह से हम ये बबल्स लगा के तो नॉर ओनली इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। नॉर गेट के लिए अगेन सिंबल्स उसके क्या हैं, एक तो ये नॉर गेट का नॉर्मल सिंबल है जिसका फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जी होल बार, और उसके अलावा एक सिंबल ये भी है, ये भी आपका नॉर गेट ही है, यानी एक एंड गेट की इनपुट्स अगर इन्वर्टेड हो तो दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस वाई प्लस जी बार। तो ये भी उसमें हमारे पास और गेट था तो वो नैंड था, यहाँ पे एंड गेट है और उसको मैं इन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास जो फंक्शन बनता है वो ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ उसने एक एग्जाम्पल दी कि अगर आपको फंक्शन इस तरह से गिवन है f is equal to a plus b into c plus d plus c, तो अभी आप इन बबल्स को इग्नोर कर दें फिलहाल, let's say they are not there, तो ये सिंपल और गेट्स बनेंगे, a plus b ये और हो जाएगा, c plus d यहाँ से और हो जाएगा, और e यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इन ये सब एंड हुए में तो ये सारे एंड गेट के थ्रू फंक्शन आ जाएगा। किया मैंने फिर बबल्स लगा दिए यहाँ पे, यहाँ पे ये दो बबल्स लगाए तो मुझे ये दो लगाने पड़ गए और एक तीसरा मैंने खुद ऐड किया यहाँ पे और मैंने ई को इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे तो ओरिजिनल फंक्शन में ई था, मैंने ई बार कर दिया, सर्किट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये सारे नॉर गेट्स बन गए और ये वाला जो गेट है ये भी अगर आप ऊपर देखें तो ये एक्चुअली नॉर गेट है। तो अब मैं इसकी जगह एक सिंपल नॉर गेट लगा सकता हूँ तो मेरा ये फंक्शन जो है ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर ई बार पे नहीं समझ लगी, इसलिए कि ये इन्वर्टर हमने एक्स्ट्रा डाला है ना ये बार। तो सर अगर सिंपल हम ई के लिए वो नॉर गेट आगे लगा दे तो वो ठीक नहीं है? हाँ वो लगा दें आप, नहीं आपने इन्वर्ट नहीं करता, देखिए अगर आप खाली ई लेते हैं ठीक है और ई लेके आप उसको इन्वर्ट कर देते हैं तो और आगे आप मजीद। सर आपका कोई सवाल है क्या? सर आपका कोई सवाल है? सवाल है से क्या मुराद है? हाथ खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या पूछ रहे हैं आप। सर आप वो कह रहे आपका हैंड रेज़्ड। मेरा हैंड रेज़्ड है? यस सर। मेरा क्यों हैंड रेज़्ड है यार? कि मैंने तो नहीं किया, इसको कहां से खत्म करते हैं? सर ये जहां पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है वहां पे चला। अच्छा सर ये 3 डॉट होते हैं ना वहां से? हां ठीक है चलिए सही है गुड। अच्छा नहीं नहीं मेरा कोई सवाल नहीं है। हम लोग ये कर रहे थे तो हाँ मैं ये बता रहा था कि जब आप स्क्रीन यहां पे एक एक्स्ट्रा अब नहीं ये टू ग्राफिक सिंबल्स फॉर अ नॉर गेट ये नहीं नजर आ रही आप लोगों को? नो सर स्क्रीन शो नहीं। अच्छा मैं दोबारा करता हूं जी, अब नजर आ रही है? यस सर जी सर। अच्छा तो हाँ तो ये हम कर रहे थे, ये पूछ रहे थे जी ई बार क्यों लगाया है, तो आप यहाँ पे बेशक मेरी तरफ से ई लिखें और उसके बाद एक इन्वर्टर और लगा दें ठीक है यहाँ पे और फिर उसके बाद एक इन्वर्टर यहाँ पे लगा दें तो वो बात वही हो जाएगी। ओके सर ये कॉन्फिगरेशन है उसी तरह की, सो इसके अंदर भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा चले अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है, यू हैव अबाउट आई गिव यू 7 to 10 मिनट्स टू डू दिस। ये फंक्शन है f is equal to ECD, it's written in sum of products, so ये उसकी मिन टर्म्स है, इसमें डोंट केयर कोई नहीं है इसलिए डोंट केयर ना डाल देना।
ये इसकी मिन टर्म्स है, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, पहले इसको खान ऑफ मैप से सिंप्लीफाई करें और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करें एज नैंड ओनली, यूजिंग नैंड ओनली गेट्स. सो और एवरीवन शुड टेक आउट देयर कॉपी पेंसिल और ये जरा स्टार्ट करें. Once you are done with this, then we'll take a break. So, ये four variable का था? जी, four variable है, A, B, C, D. तो इसका 16 का Karnaugh map बनेगा. सर, एक बात है, वो जो था order था ना map में. सर, वो याद करना पड़ेगा सर, वो तो मुश्किल हो जाएगा. याद नहीं करना पड़ेगा. और याद नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ 00 01 11 10 बस ये याद करना है, बाद आप कोई भी चीज लिख सकते हैं. बहरहाल आप पुरानी स्लाइड से या नोट्स में से देख सकते हैं कि चार वेरिएबल मैप में मिन टर्म्स स्क्वायर के अंदर कौन सी मिन टर्म होती है. वैसे तो 0 1 3 2 ठीक है, आगे चलते जाए आप, कोई मसला नहीं है. सबसे पहले तो आप लोगों ने इसका बुलियन फंक्शन सिंप्लीफाइड जो है वो लिखना है यूजिंग अ के मैप. बुलियन फंक्शन लिख लें तो फिर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें. बुलियन फंक्शन जो लिख लें वो कैट विंडो में शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी क्लास भी वेरीफाई कर ले. कल आपकी जो असाइनमेंट दी थी ना वो तो होगी क्या सर? आपकी सारी असाइनमेंट्स तो हो गई है तो सर उसके मार्क्स कब पता चलेंगे? मैंने पहली असाइनमेंट तो चेक कर ली है ना, वो उसके मार्क्स तो मैंने कर दिए थे अपलोड. अच्छा, वो आप अपने रिमार्क्स में देखें, रिमार्क्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो आपके मार्क्स हैं. ओ ओ सर, मेरे से अच्छा है. आप बस ठीक है, खुश हो गया फिर आप. अभी मैं सेकंड असाइनमेंट की 14th है लास्ट डेट, तो फिर 14th को चेकिंग स्टार्ट करूंगा. अच्छा सर, इसकी तो आप बेशक 2 दिन का टाइम दे दिया करें तो आराम से हो जाता है. चलो कोई बात नहीं यार, 1 हफ्ते का टाइम मैं देता हूँ कि कोई मसले मसाइल हो जाते हैं लोगों के, फिर वो 2 दिन का, फिर अरविंद कहता है सर 1 दिन एक्सटेंड करते हैं, आज ही हो गया वो हो गया, ये इतने दिन होते हैं कि इसमें फिर कोई एक्सक्यूज नहीं रहता. सर मैं तो आप जिस दिन भी नहीं आता हूँ उसमें उसी दिन ही कर देता हूँ. जबरदस्त यार, ये आप अच्छा करते हैं, लेकिन फिर चेकिंग मैं उस वक्त फिर कट्ठी करता हूँ ना, क्योंकि फिर आधे लोगों की ही अपलोडेड होती तो उनका मैं 0 तो नहीं लगा सकता जब तक ये डेडलाइन नहीं आती. अच्छा सर, ये हमारी क्लास में नहीं है.
कि किसी स्टूडेंट ने सिंप्लीफाई कर लिया बूलियन एक्सप्रेशन इसका? सर बस फॉर्मूला का एक स्टेप है। ओके सर आज के लिए बस इतना ठीक है। सर ये इसको तो नहीं करना, ये हमारी क्लास में ही इंटरफेरेंस कर रहा है। हाँ ये आप क्या नाम है आपका? सर 107 है, ये बार बार डिस्टर्बेंस कर रहा है हमारी क्लास के। 107 मैं अब आप ये छोड़ गए, आई विल रिपोर्ट इट टू द मैनेजमेंट। सर इस्लामाबाद कैंपस में गए फिर आगे जाए तंग करने आ जाते हैं। हाँ ठीक है मैं वो 107 का कर लेता हूँ, वो कोई मसला नहीं है जी। सर फंक्शन बन गया होगा, मैं रिप्लाई सेंड करता हूँ। अच्छा हाँ इसको चैट विंडो में शेयर कर लें। अच्छा ये बाकी लोग भी वेरीफाई कर लें क्योंकि मेरे पास इसका ऑफ हैंड तो सलूशन नहीं है, तो इसलिए मैं ये श्योरिटी से नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है। अगर दो तीन और स्टूडेंट्स का भी यही आ रहा है तो फिर ये सही होगा, नहीं तो ये गलत है। सर ये मैंने सेंड किया है, ये देखिएगा जरा। अच्छा मेरा इससे थोड़ा सा चेंज आया आंसर। हां ये मैं कर रही हूं यार, ये डब्ल्यूएच में किया हुआ वो एपीसीट। चलिए वो तो खैर ठीक है सर, इसमें एक वन जो है वो अकेला आता है, उसका क्या करें सर? उसके लिए पूरी मेंटेन करना जो है जी, 13 पे उसके M13 लिए पे जो वन लगाते हैं वो अकेला होता है सर। अच्छा उसको फिर आपको पूरे चारों उसके जो लिटरल्स हैं वो बनाने पड़ेंगे अगर वो कहीं कंबाइन। सर ये देखिए ना चारों उसके लिए जो चारों होंगे वो चारों के चारों आएंगे W X Y Z। सर चार तो हो नहीं सकते, चार वन कोई कंबाइन नहीं हो रहे, या तो तीन हो रहे हैं या ओहो मैं कह रहा हूं जो अकेला वन है उस अकेले वन की इक्वेशन है और उसमें चारों आपके लिटरल्स। सर 86 ने तो टेबल गलत बनाया, वन सही नहीं लगाया, यह पोजीशन देख के मैंने लगाई है जिस तरह सर ने पोजीशन लगाई है, बस वाई जेड की वो मैंने एक जगह खाली छोड़ दी है सिंपल, बाकी जिस तरह वो मिन टर्म्स थी वैसे मैंने इक्वेशन लगाई हैं। यार आपने 3 की जगह 1 नहीं पुट किया जो 3 मिन टर्म है? एक मिनट देखो यार, एरिथेस का कहता है टेबल की बता दो क्योंकि उसे 0 पे तो डाली थी कोई वैल्यू 0-0 पे, 0-0 पे वैल्यू डाली तो ये वन वो वाई जेड जो है ना वो स्पेस थोड़ी सी निकला, ये उसके नीचे आना था ये
जो जीरो जीरो है ना वो बस स्पेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा छूट गई उससे। आज ये वो कट गया था मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे एक वन होगा तो उसमें उसकी पूरी इक्वेशन आएगी, कोई भी वन जो है ये नहीं कि उसकी इक्वेशन ही आपने नहीं दी, जो अकेला वन है उसके चारों लिटरल्स आएंगे। इसमें ये ठीक लग रहा है, ये जो आखिर में 008 का आई थिंक दिस इज ओके। सर इसमें वो सिर्फ वो वन वाला रह गया, वो नहीं मैंने एंटर किया, वो मैं एंटर कर, वो भी हाँ वो भी एंटर करो सर। उसमें जिधर जीरो है जैसे बी पे जीरो है तो बी को बी बार लिखना और जी बी बार बिल्कुल बिल्कुल चलें हम लोग इसकी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग इसको कंटिन्यू करें एंड यू कैन टेक अ 10 मिनट ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो अभी हुए हैं 11:22 तो 11:32 पे हम रीस्टार्ट करते हैं, तब तक बाकी लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं।